राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम धुलेट में इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर अवैध रूप से संचालित हो रहे बायोडीजल गोडाउन में बीती रात धमाकों के साथ भीषण आग लग गई थी। आग की सूचना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं फायर ब्रिगेड की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ थाने के धुलेट से इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर अवैध रूप से बायोडीजल गोडाउन संचालित हो रहा था, जिसमें देर रात्रि भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद 2 से 3 धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए, जिसकी आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। वहीं आग की घटना की सूचना के बाद क्षेत्र के आला अधिकारी सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और सरदारपुर एवं राजगढ़ के फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही सरदारपुर SDM BS कलेश तथा SGOP RS मेड़ा, राजगढ़ थाना प्रभारी रतनलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं अधिकारी पहुंच गए थे। इस दौरान किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों को अधिकारियों ने समझाइश दी। पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो वाहन GJ18AB 5533, जिसमें डीजल भरवाने की मशीन रखी थी, उसे भी जब्त किया है। SGOP राम सिंह मेड़ा के अनुसार अवैध रूप से रिफिलिंग के कारण उक्त हादसा हुआ है, जिसमें बायोडीजल गोडाउन संचालित करने वाले आमिर अंसारी निवासी राजगढ़ तथा गोडाउन की जमीन के मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही फोरलेन किनारे अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के विरुद्ध आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। यार क्या लाइट चल रही है अबे ये तार हटे।